आपका ध्यान किधर है? चने पॉपकॉर्न वाला इधर है। आपका ध्यान किधर है? माउंटेन व्हीलर व्लॉगर इधर है। हाय गाइस, मेरा नाम हिमांशु है और मुझे आप ही की तरह घूमना फिरना बहुत पसंद है। और आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ उत्तराखंड से सीधे हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी जगह जो बहुत कम लोग जानते हैं, बिल्कुल ऑफबीट और अनटच्ड प्लेस है, तो ये है बागासरा। बागासरा जो पड़ता है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इस सीरीज़ में मैं यहाँ पे ऑफबीट डेस्टिनेशन कवर करने वाला हूँ और इस वीडियो में आपको सारा चीज़ें पता लगेंगी कि ये हम यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ आने के भी दो रीज़न हैं और कहाँ पे स्टे कर रहे हैं और कैसे आना है, यहाँ तक पहुँचना कैसे, वो भी सारी डिटेलिंग मिलने वाली है। सो गाइस, ये है बेसिकली कैंप साइट और इस कैंप साइट की खास बात यह है, ये बिल्कुल जो सेब के बागान है उसके बीच में है। और जैसा कि आप ये देखेंगे, यहाँ पे कुछ कैंप्स इस साइड हैं, कुछ कैंप्स इस साइड हैं और इधर है किचन। ये देख लो किचन है। भाई जी, ब्रेकफास्ट हो गया रेडी? क्या है आज ब्रेकफास्ट में? पराठे हैं, पराठे और चाय। तो बेसिकली यही है पूरी कैंप साइट जिसमें हम दो तीन दिन स्टे करने वाले हैं। मैं जल्दी से आपको अपने टेंट का टूर दे देता हूँ। तो बेसिकली ये है, थ्री शेयरिंग रूम है और ठीक ठाक है, स्पेशियस। एक चार्जिंग पॉट भी यहाँ पे दिया हुआ है, लाइट भी है। भैया लाइट जला देते हैं। ये देखिए, एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है, एक बल्ब बाथरूम में है और ठीक ठाक स्पेशियस है। मतलब इतना स्पेस है ऐसी जगह पर, मतलब ऐसी ये भी मिल जाए तो काफ़ी है। और अच्छे खासा रजाई और ब्लैंकेट वगैरह की पूरी व्यवस्था है। और ये देखिए वॉशरूम, वॉशरूम में भी काफ़ी स्पेस है और ठीक है। मतलब एक अच्छा स्विच कैंप देखने को मिल रहा है। और ये भी, ये अच्छी चीज़ मुझे लगी मुझे कि यहाँ पूरी व्यवस्था पूरी दे रखी है पहले से। सो गाइस, ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया, काफ़ी अच्छा लगा बिल्कुल टेंट से कवर करके, बिकॉज ठंडी भी काफ़ी होती है ना, कभी हवा चल गई रात को तो। और बूफे आई गेस यहाँ लगेगा। थैंक यू भैया। तो अभी मैंने किसी लोकल से पूछा था तो बता रहे थे कि बहुत पहले किसी ज़माने में ना ये पूरा जो एरिया है ये लेक हुआ करता था। और उसी टाइम पे, कुछ टाइम बाद यहाँ पे बादल फट गया था और काफ़ी सारा लैंडस्लाइड हुआ था, तो सारे ऊपर के पहाड़ जो हैं वो नीचे आ गए थे लेक के ऊपर और लेक का पानी पूरा ख़त्म हो गया और ये फिर धीरे धीरे करके प्लेन एरिया बन गया और ये फील्ड बन गया। सो गाइस, हमको भाई साहब, क्या नाम है आपका? शेर सिंह ठाकुर। शेर सिंह ठाकुर जी हमें ले जा रहे हैं फेस्टिवल की तरफ। सर, आप यहीं लोकल ही हो? लोकल सर, यहीं रहते हैं। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल कैंप साइट के बगल में इनका घर है। तो ये आप थोड़ा बताइए फेस्टिवल के बारे में। तो ये सर हमारा जो है समाज है, देता है, जैसे आ देता है बस उसका फंक्शन होगा देवते का। अच्छा, हाँ जी। तो इनको कहीं से लेकर आते बता देना। क्या नाम था देवता का? क्या नाम? शाहना ऋषि। शाहना ऋषि जी हैं। जी, तो इनकी भी काफ़ी पुरानी स्टोरी है। पुरानी स्टोरी सर। अच्छा, तो इनको ऐसे, मतलब मैंने जैसे बताया था ना आपको, एक गाँव से दूसरे गाँव में लेके आते हैं, तो आज यहाँ लेकर आ रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में फेस्टिवल मनाया था। तो ये फेस्टिवल बैसाखी के दिन, आज बैसाखी भी है ना? हाँ जी, 13 बैसाखी। हाँ, तो बैसाखी के दिन बनाया जाता है उसका? हाँ, बिल्कुल लेना देना है? हाँ, है उसका भी है। अच्छा, मतलब ये उसी के दिन बनाया जाता है? हाँ जी, उसी के दिन। ठीक ठीक, 14-15 तक होगा, दो दिन मेला चलता है। अच्छा, दो दिन का मेला चलता है जो है टूर्नामेंट लाइव। हाँ, चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत बताने के लिए। काली माँ का मंदिर। सो गाइस, ये है काली माता का मंदिर यहाँ लोकल्स का। और जैसे कि आप आर्किटेक्चर देखेंगे, काफ़ी पुराना लग रहा है। जय माता दी। सो गाइस, आई थिंक देवता आ गए हैं। वो आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी ना, तो पूरी झांकी आ गई है। तो अभी चलते थोड़ा और आगे, देख के आता कैसी है झांकी। जो हमारे देवता हैं ऋषि मुनि जी, उनको पहले कालिका मंदिर लाया गया
वहाँ पे उनके दर्शन हुए। उसके बाद फिर हम एक और देवता का स्थान था वो दूसरी जगह, फिर उनको वहाँ से घुमा के अभी दोबारा यहाँ लेके जाएंगे। बीच में नाटी होगी तो आपको नृत्य देखने को मिलने वाला है, यहाँ का जो लोकल फोक डांस है। आंटी कल भी होगा ना मेला? हाँ जी कल भी है। और ये कौन सी सब्जी है? झिंगड़। सो गाइस ये है बुरांस का जूस जो मैं आपको काफी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। ये हमारी आंटी जी, आंटी जी क्या नाम है आपका? तो आंटी जी यहाँ पे सेल कर रही है। क्या रेट है आंटी जी? ये 50 रुपए की बोतल। देखो सारी जड़ी बूटी अवेलेबल है। हेलो, हम लोग आए रामपुर से बागा स्नान, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कल की जो बर्फबारी हुई थी, कल बर्फबारी मिस कर दी, बहुत ही तगड़ी थी भैया। लेकिन हमने मिस कर दी। आपने मिस कर? बिल्कुल भाई जी, बहुत ही। क्या नाम है आपका? सारी त्रिपाल उड़ गई थी। मेरा नाम है संजय नेगी जी, मैं रामपुर से हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद संजय नेगी जी आपका, बहुत बहुत थैंक यू सर। आपका ध्यान किधर है? चने पॉपकॉर्न वाला इधर है। रामपुर के लच्छे खाने को अच्छे, बुड्ढे खाओ या बच्चे होते अच्छे। 20 का जोड़ा माल है थोड़ा, माल मुकाना रामपुर जाना, 20 के दो हंसके लो। आपका ध्यान किधर है? माउंटेन व्हीलर व्लॉगर इधर है। कैसा लगा भाई लोग? ये है यहाँ का छोटा सा मेला और अभी आज का जो प्रोग्राम है यहाँ पे खत्म हो चुका है। कल फिर से एक बड़ा मेला यहाँ पर होने वाला है और भी गांव के लोग आने वाले हैं, तो बता रहे थे काफ़ी ज़्यादा क्राउड होने वाला है और काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। तो कल हम फिर दोबारा आएंगे सेम टाइमिंग पे। हम इससे वेलकम करते हैं। नेपाल में भी ऐसी होता है ना सर? हाँ। जैसे कुछ लकी साइंस बने हैं। अरे वाह। तो इसका मेन मोटिव ये रहता है कि जैसे आप लोग आए हैं इतने दूर से, तो जैसे आप लोग सेफली आए हैं वैसे सेफली अपने घर भी पहुँचे हैं। तो गाइस जैसा कि आपने देखा है, इस तरह से यहाँ पे हमारा स्वागत किया गया। ये बेसिकली बुद्धिस्ट कल्चर में आता है और अगर आप नेपाल की साइड जाओगे तो वहाँ पे भी कल्चर देखने को मिलता है कि आप किसी के घर जाते हैं तो आपको इस तरह से ये दिया जाता है कि आप यू नो पॉजिटिविटी के लिए इसमें मंत्रास वगैरह इनके लिखे होते हैं। तो मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा। और अभी इसके बाद हम लंच वगैरह कर लेते हैं। लंच करने के बाद अभी वेदर का कुछ सीन पता नहीं लग पा रहा है, कभी बारिश हो रही है कभी धूप आ जा रही है, तो अभी कुछ प्लान बना नहीं है। बट अगर वेदर ठीक रहा तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा घूम आए। तो चलिए अभी थोड़ा लंच वगैरह कर लेते हैं। सो गाइस लंच में है चावल और दाल, पीली वाली दाल एज रेगुलर। तो भात दाल खाएंगे और फटाफट लंच करके, मौसम तो कुछ और ही कह रहा है वैसे, देखते हैं क्या प्लान बनता है। सो गाइस आज की आइटनरी चेंज होने की संभावना लग रही है, बारिश होना स्टार्ट हो गया है। देखिए मैच भी रद्द हो गया और मैं भी टेंट में भाग रहा हूँ। और फिलहाल आज का आइटनरी तो ऐसी गड़बड़ा गया था बिकॉज ऑफ वेदर। तो कल का प्लान यह है कि कल हम जाएंगे अर्ली मॉर्निंग निकलने वाले ना, वो उसके लिए वाटरफॉल देखने जाएंगे। तो ट्राई करेंगे जल्दी निकल जाएं ताकि सनराइज पूरा दिख जाए और कल जो फेस्टिवल है वो अच्छे से कवर करेंगे। तो आपको अमेजिंग और भी मतलब जो आज दिखा था उसका नेक्स्ट लेवल देखने को मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। तो अभी चलते हैं यहाँ से सीधे मेले की तरफ और लाइक शेयर सब्सक्राइब।